लिहाजा रंग से मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ाहिद सुमरो सलाम अर्ज़ करता हूँ। दोस्तों इस वक्त मैं छोर स्टेशन पर मौजूद हूँ। आपने मेरे गुज़श्ता व्लॉग में देखा होगा कि मैं आया था हैदराबाद से मीरपुर खास तक, जर्नी आपको मैंने दिखाई थी। तो मैं कल यहाँ पर पहुँचा हूँ, रात यहाँ पर स्टे किया है और अभी आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं छोर स्टेशन। छोर स्टेशन में सिर्फ एक ही गाड़ी है, मारवी पैसेंजर। तो आज हम अपना स्टार्ट करेंगे व्लॉग का, गाड़ी कैप्चर करेंगे, गाड़ी चली हुई है, गाड़ी पहुंचने वाली है और आपको दिखाएंगे छोर के रंग। तो जुड़े रहिए दुनिया हज़ार रंग के साथ, आपको इंशाल्लाह बेहतरीन नॉलेज देंगे, हिस्ट्री के मुतालिक बताएंगे। आइए मेरे साथ। दोस्तों 220 डाउन मारवी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर पहुंच रही है। मैं आपको दिखा रहा हूं प्लेटफॉर्म के मनाजिर। सारा प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं मुसाफिरों से भरा हुआ है। तो चलिए गाड़ी नज़दीक है तो गाड़ी को कैप्चर करते हैं। तो ये आफ्ताब का मंज़र और ये 220 डाउन मारवी एक्सप्रेस, टाइम हुआ है 7:12। चलिए तो प्लेटफॉर्म की तरफ चलते हैं। बुकिंग ऑफिस पर रश आप देख सकते हैं, गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो गई है मगर फिर भी इतनी लंबी कतार। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि यहाँ पर कम अज़ कम एक गाड़ी और होनी चाहिए। सुबह के वक्त रशा मुलाहिज़ा कर रहे हैं, गाड़ी खड़ी होने के बावजूद भी ये हाल है। मुसाफिरों से बात कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ की तैयारी है जनाब? हैदराबाद भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यहाँ सर्विस करते हैं गालबन आप? जी जी। कहीं की रिहायशी है? जी जी, रिहायश लेदर की नहीं है, रिहायश के लिए सर्विस करते हैं आप। जी जी। कैसे समझते हैं रेल के सफ़र को? बस अच्छा है, अच्छा है। शुक्रिया शुक्रिया। दोस्तों इस विंडो पर जो आपको ये रश नज़र आ रहा है और लोग कतार की सूरत में खड़े हैं, आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। तो सिंध के एक बहुत ही समझ ले के दूर दराज इलाके का एक स्टेशन छोर, जहाँ पर ये लोग कतार दर कतार एक डिसिप्लिन के तहत टिकट ले रहे हैं। हालांकि गाड़ी भी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है मगर किसी किस्म की कोई अफरा तफरी, कोई परेशानी का आलम नहीं, सबके चेहरे मुतमैन हैं। मगर इन सब के पीछे कुछ लोगों का हाथ है जिन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर एक मुहिम के तौर पर इस काम को लिया हुआ है। तो मेरे सामने ये खड़े हैं दोस्त, इनसे पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या जनाब? गुलाम हैदर। गुलाम हैदर साहब, ये आप खड़े हैं यहाँ पर खैरियत है? ये लाइन के लिए। अच्छा, लाइन के लिए। जी जी। तो आप ये रोज़ाना इधर आते हैं? हाँ रोज़ाना। अपनी निगरानी में ये लाइन वगैरह का सिस्टम? चार पांच बंदे हैं हमारे निगरानी में, हमारे ऊपर दूसरे भी हैं चेक करने वाले। हाँ बेहतरीन, ज़बरदस्त, बेहतरीन, बहुत बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त। तो दोस्तों अब गाड़ी की तरफ चलते हैं, अब चंद लोग बचे हैं तो हम गाड़ी का डिपार्चर कैप्चर करते हैं। 220 डाउन, लाइन क्लियर मिल चुका है असिस्टेंट ड्राइवर साहब को।
डिपार्चर विसल हो गई है। 10 मिनट खड़ी रहने के बाद 220 डाउन अपने आगे के सफ़र के लिए रवाना। दोस्तों याद रहे कि ये सेक्शन की वाहिद गाड़ी है, शाम के वक्त रात को इधर 7:45 आती है 219 अप बनकर और सुबह 220 डाउन। मारवी पैसेंजर, इस गाड़ी के दो नाम है, कोकरोपार से मीरपुर खास तक मारवी एक्सप्रेस, मारवी जो कि एक सिंध का एक लाफानी किरदार जिसको शाह अब्दुल लतीफ भिटाई ने अपने धरती अपने वतन से मोहब्बत का एक सिंबल के तौर पर पेश किया, उसके नाम से मंसूब। GMU 15-4806 के मखसूस गन गरज के साथ ये गाड़ी डिपार्ट हो गई है। आप देख रहे हैं छोर स्टेशन, बच्चों को आप देख रहे हैं एक रेस कर रहे हैं। गुड बाय मारवी एक्सप्रेस, ये है डिपार्चर के मनाजिर। अब पूरा दिन यहाँ पर कोई गाड़ी नहीं, फिर शाम को मेला सजेगा, तो ज़रूरत है कि पूरे दिन में कम से कम एक दूसरी गाड़ी भी होनी चाहिए ताकि यहाँ के लोगों को सफरी सहूलियात मैसर हो सके। रोड की सहूलत तो माशाल्लाह हो गई है मगर रोड से किराए बहुत ही ज़्यादा हैं और ये रेलगाड़ी इकोनॉमी पड़ती है, तो हमारी तवक्को करते हैं अरबाब इख्तियार से को इस तरफ ज़रूर ध्यान देंगे और कम से कम एक गाड़ी का इजाफा इस सेक्शन पर करेंगे। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, गाड़ी यहीं से भर गई है। तो दोस्तों ये है वो रज़ाकार जो सुबह के वक्त रोज़ाना यहाँ पर आते हैं और ये जो आपने कतार देखी टिकट वगैरह पे, तो इसको जो डिसिप्लिन आपको नज़र आया ये इन्हीं दोस्तों की मरहूने मिन्नत है। ये रोज़ाना अपनी ये ज़िम्मेदारी समझते हैं। अब आप खुद समझ सकते हैं कि इस भगदड़ के आलम में इतना रश में किस तरह ये मामला होगा, मगर इनके हम शुक्रगुजार हैं कि इस काम को अपना काम समझते हैं और एक डिसिप्लिन के तहत टिकट का निज़ाम चलता है। तो आइए इनसे बात करते हैं, ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम असगर अली गोरी, छोर स्टेशन। जब से अरबाब गुलाम रहीम साहब ने हमारे लिए ये गाड़ी चलाई है उस दिन से लेके आज दिन तक हमारे 5 बंदे जो हैं अपनी ड्यूटी पे सर अंजाम होते हैं। वाह वाह। प्यारा मरला ये है कि विदाउट टिकट निकले, दूसरा मरला ये है कि कतार के अंदर खड़े होकर अपने नंबर वाइज टिकट लें, बेहतरीन। तीसरा मरला ये है कि और डेली की अर्निंग 45-52 हज़ार रुपये हमने काउंट करके बैंक में जमा कराते हैं। जब बुकिंग हो जाती है तो स्टेशन मास्टर से पूछते हैं भाई कितनी सैलरी हुई, तो उस टाइम हमारे जहन में आती है कि आज भाई 10 बंदे कम हैं, आज 20 बंदे ज़्यादा हैं और बोगियाँ कम हैं, आगे जो हैं पैसेंजर ढोरनारो शादीपल्ली पिथोरो सीट मिलती नहीं है, खड़े रहते हैं, मजबूरी में किराया कम होने की वजह से बसों को छोड़ के ट्रेन को इस्तेमाल करते हैं। बाला हुकाम से हमारी भी अपील है कि एक बोगी ज़्यादा लगाई जाए और दिन में गाड़ी को दूसरी लगाएं, तो जो भी उमरकोट छोर ढोरनारो आसे पासे के जो भी लोग कराची जाने वाले हैं वो बसों को छोड़ के रेल को तरजीह देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। दोस्तों इस वक्त हम छोर स्टेशन के बाहर खड़े हैं, ये सामने शहर के मनाजिर, शहर जाने वाला ये रास्ता, और अब हम आपको दिखाते हैं स्टेशन का लुक। इस तरफ सामने ये अबैंडन कॉलोनी है,
और अब इस तरफ से आते हैं हम स्टेशन बिल्डिंग की तरफ। ये इस शोर स्टेशन के सामने की बिल्डिंग का लुक, तो आइए थोड़ा सा नज़दीक चलकर आपको पूरा विज़िट कराते हैं बिल्डिंग का। जो मेरे बाएं हाथ पर टिकट ट्यूब, टिकट घर, जो पहले आपको मैं दिखा रहा था, यहाँ लोग कतार दर कतार मुसाफिर टिकट ले रहे थे। इस सेक्शन पर सिर्फ एक ही गाड़ी है, 219 अप और 220 डाउन, मारवी एक्सप्रेस। ये किराया नामा सामने आप देख रहे हैं। यहाँ से खोखरो पार, न्यू चोर, पर्ची जी वेरी, जालू जो चोरो, वासरबा, ये अप डायरेक्शन है और डाउन डायरेक्शन में टंडो जाम, मगर ये दरमियान में इन्होंने लिख दिया है, ये सीक्वेंस में नहीं है। सुमरा सर, हसी सर, साडर, लोरो नारो, फकीर, तुर्को मंगरियो, पिथोरो, शादी पली, अब्दुल्लाबाद, बलोचाबाद, जमड़ाओ, मीरपुर खास, टंडोलैयारो, हैदराबाद। तो दोस्तों, हैदराबाद का किराया 380 रुपये इकॉनमी क्लास, जबकि रोड से अगर आप हैदराबाद यहाँ से जाएं तो पूरा तकरीबन 1000 रुपये का खर्च आएगा। मीरपुर खास तक 600 रुपये रोड का किराया है, मगर यहाँ सिर्फ 180 रुपये में इकॉनमी क्लास रेलवे के ज़रिए यहाँ के मुसाफिर, यहाँ के पासी मीरपुर खास तक सफ़र कर सकते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि ये कितना इकोनॉमिकल गरीब तबके और मुतवस्सित तबके के लिए कितना बड़ा रिलीफ है, कितने सस्ते किराए में वो जाते हैं। जैसे स्टेशन की तरफ अंदर दाखिल होते हैं, ये वेटिंग हॉल है। वेटिंग हॉल में ये मनाजर आप सामने देख रहे हैं, तस्वीर थर की सकाफती एक सिंबल, ऊंट जिसको सहराए थर का बादशाह भी कहते हैं और सहराए सर का जहाज भी कहते हैं इसको। और उसके अलावा ये कुछ तस्वीर हैं, रिटायर्ड स्टेशन मास्टर नूर मोहम्मद थर्री साहब, मुख्तलिफ अफसरान के विज़िट के दौरान ये निकाली हुई तस्वीर, यादें जो यहाँ पर इन्होंने आवेज़ा कर रखी हैं। नीचे ये ब्लैक बोर्ड जिस पर मुख्तलिफ औकात में मालूमात फराहम की जाती है, और यहाँ से खड़े होकर हम ये शहर का व्यू लेते हैं। तो मेरे इस जानेब भी ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सामने एक घर का मंज़र है। थरी ज़ुबान में इसको चोरों कहते हैं, ये एक कमरे का एक रिहायशी मकान समझ लें। और आगे ये मुख्तलिफ तस्वीर जिसमें थर की सकाफत को उजागर किया गया है। और ये सामने मुझे एक लोको शेड मीरपुर खास का एक मंजर कैप्चर किया हुआ लोकोमोटिव स्टीम इंजन। और ये प्लेटफॉर्म की तरफ से चलते हैं कि वहाँ कैसा माहौल दिखता है। दोस्तों, अब हम प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, ये आप देख रहे हैं सामने प्लेटफॉर्म से बिल्डिंग का व्यू। तो आपको यहाँ से तारुफ देते हैं कि सामने सबसे पहले ये कूलर है ठंडे पानी का, जो पाक आर्मी की तरफ से यहाँ पर नसब किया गया है मुसाफिरों की सहूलत के लिए। चलते हैं अंदर बरामदे की तरफ। सबसे पहले इंतज़ारगाह दर्जा अव्वल, वेटिंग रूम, मगर ऊपर की जानेब आप देखेंगे कि इस अहाते में पूरे बरामदे में ऊपर तस्वीर लगी हुई हैं, जो कि तहरीक पाकिस्तान के सरकर्दा रहनुमा और 1965-1971 की जंग के दौरान शहादत पाने वाले पाक आर्मी के नौजवान, उनकी तस्वीर आवेज़ा हैं। और ये सारा जो क्रेडिट है, ये शौक है, ये जनाब नूर मोहम्मद थर्री साहब का है। उन्होंने अपने ख़र्चे पर
अपने शौक से इस स्टेशन को सजाया है। ये उनका होम टाउन भी है, तो यहीं से वो 2 महीने पहले रिटायर हुए हैं, मगर अपनी यादें छोड़ कर गए हैं। तो आइए आगे की तरफ चलते हैं। सबसे पहला कमरा असिस्टेंट स्टेशन मास्टर ऑफिस, उसके बाद स्टेशन मास्टर का दफ्तर, और सबसे आखिर में ये पार्सल गोदाम। और ये पाकिस्तान रेलवेज की तरफ से मुहैया करदा वेंडिंग मशीन, जिसमें सामान का वजन किया जाता है। दोस्तों एक और अच्छी चीज आपको दिखाते हैं, ये आप देख सकते हैं हर पिलर के साथ ये पौधे लगाए हुए हैं। जबरदस्त बेहतरीन। आइए दोस्तों अब अंदर चलते हैं, स्टेशन मास्टर ऑफिस का विजिट करते हैं। माशाल्लाह जबरदस्त लुक। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर चारों तरफ दीवार पर ये एक तरह से रेलवे की हिस्ट्री आवेजा है। उसका सारा क्रेडिट मोहतरम नूर अहमद नूर मोहम्मद खरी साहब के जुम्मे, जिन्होंने अपने ज़ाती शौक के हवाले से ये सारा मेंटेन किया हुआ है। 7 नवंबर 2023 को 60 साल की उम्र में रिटायर हुए भी हाल ही में, मगर ये अपनी यादें यहाँ पर छोड़कर चले गए। ये एक बहुत अच्छे सोशल वर्कर भी थे इस शहर के इस इलाके के, उसके अलावा एक अदीब और दानिश्वर किस्म के आदमी थे। और उन्हीं एमा पर यहाँ ये आपको जो माहौल में बेहतरी नज़र आ रही है उसका ज़्यादातर क्रेडिट उन्हीं को जाता है। ये आप देख सकते हैं तो चलते हैं एसएम ऑफिस, जहाँ पर अमीर मोहम्मद रहमान साहब ड्यूटी पर विराजमान हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत। अपना तारुफ कराइए हमारे व्यूअर्स को। मेरा नाम अमीर मोहम्मद स्टेशन मास्टर। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो देखिए जनाब ये एसएम ऑफिस भी माशाल्लाह सज धज के तैयार, ज़बरदस्त लुक, काफ़ी मेहनत की। वाह वाह। बड़े ही आला शौक का मुजाहरा। और ये साथ में ये छोटा सा बुकिंग ऑफिस समझ लीजिए, सामने ये टिकट ट्यूब कहते हैं इसको, इसके अंदर टिकट्स वगैरह होती हैं। और ये गाड़ी के टेंपर खिड़की खोल के यहाँ से टिकट इशू किए जाते हैं। टिकट लेने का मंजर हम पहले ही आपको दिखा चुके हैं कि किस तरह मुनज़्ज़म अंदाज में यहाँ के लोग टिकट वगैरह लेते हैं। और ये हमारे नौजवान एजाज साहब मोहम्मद सुमार सुमरो पॉइंट्समैन है यहाँ के। दोस्तों ये सामने की बॉक्स है, गाड़ी के वक्त ये चाबियां निकाल के इनके ज़रिए से कांटे को ऑपरेट किया जाता है। अब हम आपको एक डेमो देते हैं कि ये किस तरह सिग्नल को ये चाबियां लगती हैं, किस तरह वो पॉइंट बनते हैं और सिग्नल डाउन होते हैं गाड़ी रिसीव की जाती है। चलिए तो हमें सेंट्रल कैबिन है यहाँ छोटा सा एक प्लेटफॉर्म पर, उस तरफ चलते हैं मोहम्मद सुमार सुमरो के साथ। चलिए ऊपर चलते हैं।
तो दोस्तों हम ऊपर ये सेंट्रल कैबिन छोटा सा चार लीवरों पर मुश्तमिल सुमार सुमरो साहब मेरे साथ खड़े हैं, पॉइंट्समैन है यहाँ के, इनसे जानते हैं क्योंकि यहाँ पर मुझे दो रंग नज़र आ रहे हैं, एक सफ़ेद लीवर है एक लाल कलर का है, तो इसका क्या मतलब है? सफ़ेद स्पेयर है। अच्छा, नॉन वर्किंग। ठीक, लाल दोनों लीवर हमारे वर्किंग अप और डाउन, अप और डाउन के होम, आउटर हमारा उधर ही होता है। ठीक, तो अब आप चाबी लगा के दिखाइए कि कैसे ये ऑपरेट करता है, हम देखें। सेंट्रल कैबिन से स्टेशन का एक व्यू, अतराफ का मंजर, और ये डाउन डायरेक्शन। दोस्तों इस वक्त मैं मेन बिल्डिंग के सामने खड़ा हूँ, प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हैं यार्ड का मंजर। ये दो लाइनों का यार्ड है, बेसिकली ये सिंगल लाइन वर्किंग होती है, ब्लॉक सेक्शन में एक ही लाइन जाती है सिंगल लाइन, मगर स्टेशन के अंदर ये दो लाइनें हैं ताकि एक वक्त में अगर क्रॉस की ज़रूरत पड़ जाए तो दूसरी गाड़ी रिसीव की जा सके। ये सामने आप जो एंड देख रहे हैं ये खोखरो पार है, यहाँ से तकरीबन कोई 50 किलोमीटर दूर खोखरो पार, जहाँ छोर और खोखरो पार की आपस में लाइन क्लियर की वर्किंग होती है, दरमियान में छोटे से स्टेशन है जो बिल्डिंग लेस से, वहाँ पर बिल्डिंग नहीं होती मगर गाड़ी खड़ी होती है और मुसाफिर चढ़ते हैं उतरते हैं। यहाँ से सबसे पहले न्यू छोर, जालू जो चोरो, पर्ची जी वेरी, वासरबा, फिर खोखरो पार, तो दरमियान में ये चार स्टेशन हैं जो हाल्ट समझ लीजिए। अब आते हैं हम दूसरी तरफ, तो हमारे इस एंड पर ढोरो नारो स्टेशन, यहाँ से 21 किलोमीटर के फासले पर, मगर ढोरो नारो तक भी तीन जो है वो हाल्ट स्टेशन दरमियान में पड़ते हैं, एक सुबरा सर, हसी सर और तीसरा साडर स्टेशन, तो ये तीन स्टेशन यहाँ पर भी हैं हाल्ट, उसके बाद ढोरो नारो, मगर यहाँ पर जो लाइन क्लियर वर्किंग है वो छोर और ढोरो नारो के दरमियान होती है, दरमियान के स्टेशन बंद हैं। तो ये सूरत हाल है यहाँ की, या प्लेटफॉर्म का मंजर देख रहे हैं छोर स्टेशन।